फ्रेंड्स वेलकम बैक। न्यूज एससीओ के बाद इंडिया के खिलाफ चाइना पाकिस्तान की तालिबान के साथ हो गई डील, मचा हड़कंप। कौन सी डील हुई है भैया ये बताओ, वो पता करनी है, क्योंकि हमने तो एक वीडियो की थी जिसमें इंडिया उनको मेट्रो और रेलवे वो सब बना के दे रहा है। मतलब यहाँ इंडिया को लगा रहे हैं चूना और वहां से डील कर रहे हैं चाइना और पाकिस्तान के साथ। उसमें जो SAR था उसके बारे में देखा था, SAR कौन सी ट्रेन होती है? वो सऊदी अरेबिया की रेलवे है। सऊदी अरेबिया, वो तो फिर ऐसी फोटो तो नहीं, एग्जाम्पल दिखा रहे थे कि उस टाइप की कुछ बनाए वहां पर, जैसे सार है सऊदी, और सऊदी अरेबिया रेलवे जो है बिल्कुल वंदे भारत टाइप लगती है। अरे अच्छा, सेम मतलब धड़ाधड़ इंडिया जो है। तो वो SAR वाले सऊदी अरेबिया अपनी ट्रेन खुद बनाते हैं कि वो कहीं से लेते होंगे? कहीं से लेते होंगे, हमी से लेते होंगे फिर पता नहीं, किसी से लेते होंगे पता ना भैया, हमारी तो नहीं जा रही वंदे भारत। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कौन सी डील कर रहे हैं ये लोग। एससीओ की बैठक के बाद चीन और पाकिस्तान में खलबली मच गई है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का एक एक बयान दोनों को जहर की तरह मार रहा है। भारत के आत्मविश्वास को चोट करने की चीन और पाकिस्तान की नापाक कोशिश इस बैठक से और डबल हो गई, जो पाकिस्तान में हुई। तभी तो भारत में बैठक के बाद पाकिस्तान और चीन के विदेश मंत्री फिर मिले और उस सांप के साथ मिले जिसे इस समय ये मिलकर पालना चाहते हैं, और वो है अफगानिस्तान। तभी तो आतंकी हेडक्वार्टर पाकिस्तान से तीनों आतंक समर्थक देशों ने आतंक पर डील फाइनल कर ली। चीन ने अपनी कथित व्यापारिक रोड BRI को आतंकी रास्ता बनाने के लिए तालिबान से डील फाइनल की है, और अब BRI की जड़ें अफगानिस्तान में भी फैलने वाली है। इस दौरान ड्रामा कंपनी पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान ने आतंकवाद का मुकाबला करने और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। विदेश कार्यालय ने रविवार को ये जानकारी दी। उसने एक बयान में कहा कि इस्लामाबाद में आयोजित 5वीं चीन पाकिस्तान अफगानिस्तान त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बातचीत में तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। बयान में कहा गया कि तीनों पक्ष त्रिपक्षीय ढांचे के तहत राजनीतिक जुड़ाव, आतंकवाद से निपटने के लिए सहयोग और व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी बढ़ाने पर सहमत हुए। आतंक समर्थक और आतंक परस देशों ने ये मीटिंग उस आतंकी एजेंडे को फाइनल करने के लिए रखी थी जिसमें दुनिया को नुकसान और उससे भी ज्यादा हर स्तर पर इन्हें चुनौती देने वाले भारत को घेरने के लिए रखी गई थी। तभी तो त्रिपक्षीय बातचीत के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई। तालिबानी विदेश मंत्री को पाकिस्तान जाने के लिए भी संयुक्त राष्ट्र से अनुमति लेनी पड़ गई थी। खुद संयुक्त राष्ट्र ने बैठक के लिए अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी को पाकिस्तान की यात्रा करने की अनुमति दी थी। चीनी विदेश मंत्री चिंगकांग ने त्रिपक्षीय बैठक में भाग लेने के लिए गोवा से उड़ान भरी थी, जहां उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लिया था जिसकी अध्यक्षता भारत ने की। वहीं बैठक से इतर मुत्ताकी ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात की और दोनों ने आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की। मुत्ताकी ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की और प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। हंसी की बात तो ये थी कि आतंक फैलाने वाले देश एक दूसरे से शांति और सुरक्षा कायम करने की बात कर रहे थे। झूठ का पारा ऐसा हाई था कि दोनों आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए समन्वय बढ़ाने और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की बात कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक। देखिए तो पॉइंट ये है कि वो लोग अपना जो पुराने जमाने में सिल्क रूट हुआ करता था, BRI जिसे कहते हैं, वो बेसिकली सिल्क रूट बनाना चाहते हैं कि उनकी पूरी जो है ट्रेडिंग हो रही है उस पूरे एरिया से, तो उनका जो रूट है पाकिस्तान से अफगानिस्तान से होते हुए आगे जा रहा है, उसकी डील करने बैठे थे। नेट रिजल्ट ये है कि चाइना कह रहा है कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे अफगानिस्तान में और ट्रेड इंक्रीज करेंगे, हमारे रूट्स हैं जो जाएंगे पूरे चाइना से लेकर जैसे पहले ज़माने में जाया करते थे, और उनका पर्पस ये होगा कि अगर किसी को भी कोई माल खरीदना है तो जल्दी से आप चाइना से खरीद सकते हैं। उनका मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस ये है कि मान लो चाइना से अगर रोड्स जाती हैं या ट्रेन्स जाती हैं हर एक जगह, तो उनके लिए बहुत आसान हो गया लोगों के लिए चाइना से सामान खरीदने के लिए, तो वह दुनिया भर को अपना सामान बेच सकते हैं एक ही मिनट में और कॉन्कर कर सकते हैं पूरे एरियाज़ को, जैसे अभी पाकिस्तान को कॉन्कर किया है। हर चीज़ पाकिस्तान में चाइना से ही आती है।
अब अफगानिस्तान में वो चाहते हैं अफगानिस्तान चाइना से ही माल खरीदे। नहीं, पर उनको ये समझ नहीं आ रहा कि अफगानिस्तान कितना अनसेफ है। तुम अपना खरीदना खरीद रहे हो, अगर कोई ऑर्डर देता है चीजों का, रास्ते में क्या होता है, तालिबान क्या करते हैं, वहाँ के लोग क्या करते हैं, फिर भी वो उसमें देखिए तालिबान जो है, तालिबान वगैरह जो इतने कट्टर हैं कि अगर कोई कुछ करता है तो पता ही है, काफी स्ट्रिक्ट है। मगर इतना जरूर है कि अगर तालिबान खरीदते, गवर्नमेंट खरीदती है कुछ, तो अगर वो पूरी रोड्स आ जाती हैं टोटली कनेक्ट होते हुए चाइना से, तो उनका तो कमाल हो जाएगा। चाइना ने अपने ट्रक लोड करने हैं, ट्रेनें लोड करनी है, ले जाओ सामान, और बिंदास पहुंच गया वहाँ पे। मुझे तो लगता है इसके अलावा और तो पॉइंट ये था, इंडिया ये देख रहा था कि देखिए इंडिया इतनी दोस्ती कर रहा है अफगानिस्तान से, इतनी इंप्रूवमेंट कर रहा है, इसलिए कि वो एलाई रहे सॉर्ट ऑफ इंडिया का। मगर अगर अफगानिस्तान प्योरली अपना ही देख रहा है, बिना इंडिया से बात करे कुछ करे, हाँ जी चाइना आ गया, वो चाहता है BRI में, तो हम अपनी लैंड दे रहे हैं, हमारी लैंड के ऊपर से बना लेगा रोड रेलवे जो बनाना बना लेगा, हमें फायदा होगा, जैसे CPEC हो रहा है ये, हाँ, जैसे वो पाकिस्तान अपना फायदा देख रहा है CPEC की तरह, और एक्सपेंड कर लो तो होते बिंदास है। तो अगर वैसा कर रहा है तो मेरे ख्याल से इंडिया को देखना पड़ेगा कि इंडिया को ज्यादा फायदा नहीं हो रहा बाई इन्वेस्टिंग इन अफगानिस्तान, बिल्कुल, जब तक तालिबान है। मुझे तो यही लग रहा है कि सिचुएशन जो है ये काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। जैसे ये तीनों मिलके बैठे हैं, देखा नहीं था इस साइड जो बैठे हुए हैं ये सारे पाकिस्तान के थे, इस साइड चाइना के बैठे हुए थे, इस साइड सारे अफगानिस्तान के बैठे हुए थे, और ऐसे बैठे हुए थे जैसे पता नहीं कितना इनका यारी है चाइना की। तो यारी हुई क्योंकि चाइना का तो बिजनेस बढ़ने वाला है, वो तो चाइना तो बहुत चालू है, जहाँ अपना मतलब होता है वहाँ तो बड़ा मीठा बन जाता है, और जैसे ही चाइना उनको खत्म उस टाइम देखा, चाइना यही कहेगा देखो भाई हमारे पास तुम्हें जो चाहिए लाइफ में हम बनाते हैं, रोड्स आएंगी, रेलवे आएंगी, सस्ता तुम्हें माल बेचेंगे, बिंदास हो गया, उनकी भी इकोनॉमी मतलब भर दो अपने गुड से, उनको भी ठप कर दो। देखो भैया क्या करेंगे, हमारा भी कुछ अब दिए न्यूज़ से कोई एक्शन प्लान तो हमारी भी गवर्नमेंट, हमारे भी यहाँ पे इंडिया में यही है कि हमारी डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है अफगानिस्तान के साथ, देयर इज नो डायरेक्ट लैंड रूट। अब अगर कश्मीर हमारे पास होता अपना तो आपके पास लिंक बन जाता अफगानिस्तान ले लेंगे अब, बट क्योंकि अभी POK आ चुका है तो इंडिया की कोई कनेक्टिविटी नहीं है अफगानिस्तान, इसीलिए हमें एड भेजने में प्रॉब्लम आ रही थी। गवर्नमेंट को भी देखना पड़ेगा कि आप ये सब भेज रहे हैं, और ये देखो यहाँ जाके पाकिस्तान और चाइना के साथ हाथ मिला रहे हैं लालच में, कि इंडिया इतनी मेहनत कर रहा था कि हम एड भेजें, ईरान के थ्रू जाएगी, ईरान से घूम के आएगी, फिर बोले नहीं नहीं पाकिस्तान पे फोर्स किया, हमारे ट्रक जाएंगे, ये लोग इतनी मेहनत तुम कर रहे हो फ्री का माल उनको देने में, और अल्टीमेटली वो लोग क्या कर रहे हैं, आ जाओ चाइना को बोल रहे हैं आ जाओ बनाइए रोड बनाइए रेलवे, कर रहे हैं धोखा ही है ये, तो धोखा ही है जिस तरह से बहुत देखना पड़ेगा। मुझे तो वैसे मैं बोल भी रही थी कि उसमें जब हुआ था वहां पे कौन सी जगह थी, टर्की को जब हेल्प की थी, मैंने कहा था देखो इनका क्या अब उसके बाद ये कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उसके बाद भी दिया था, मैंने कहा था अगर ये इस बार धोखा दे तो हमें एक स्टैंड ले लेना चाहिए कि हम जो हमारे अगेंस्ट कंट्रीज है उनके वहां पे कोई भी प्रॉब्लम्स हो ह्यूमैनिटेरियन के लिए भी हम नहीं अल्टीमेटली यही होगा नहीं करना चेक कर रहे थे कि तुम कैसे हो। मुझे तो अब ये बहुत ही हो गया, एक आध बात मेरे ख्याल से हो सकता है और चेक हो जाए उसके बाद बोले, लाइफ में देख लिया है जिसने सुधरना होता वो पहली बार ही सुधर जाता, नहीं तो नहीं सुधर सकते, लगे रहोगे वो कोई नहीं, वो बाद में धोखा देगा ही। इतने सारे हमारे लोग गए थे टर्की में अपनी जान को जोखिम डाल के गए थे, जा रहे हैं टूटी फूटी बिल्डिंगों में जा रहे हैं, अपनी जान को मतलब खतरे में डाल रहे हैं, इतना सैक्रिफाइस था। वही तो बताओ अब आपको क्या लगता है, तो चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।